हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। इसमें हम लोगों ने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ मेजर एडजस्टमेंट की, उनकी ट्रीटमेंट की बात की थी, और ये बात की थी कि किस तरीके से इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तब करेंगे। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद द सॉल्यूशन। आज हम जो है आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनके बेसिस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और उस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के साथ साथ एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्या है वो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस की और क्या वो मेजर एडजस्टमेंट है जिनको रिकॉर्ड करना है हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आइए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डिस्काउंट, सेल रिटर्न, बिल्डिंग, डेटर्स, सैलरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अल्टीमेटली सबसे पहले हम ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को जान लें, ट्रेडिंग के फॉर्मेट को जान लें, और उससे रिलेटेड जो है आइटम्स की प्रिपरेशन कर लें, उससे रिलेटेड जो है वैल्यूज़ की रिकॉर्डिंग कर लें। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस पे चलेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले बात हम करते हैं ओपनिंग स्टॉक की, ठीक है। तो उस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर वन दिया सॉल्विंग। तो इस क्वेश्चन नंबर वन में हमारी वैल्यू गिवन है दैट इज 12,000 एज ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 12,000 एज ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद हम बात करते हैं परचेज की, लेकिन हम इस यहाँ से जिस परचेज की बात करते हैं उसमें अगर परचेज रिटर्न की वैल्यू गिवन है तो उसको हम लेस करेंगे, ठीक है। तो परचेज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और परचेज रिटर्न की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4,000। दोनों को हमने लेस किया एक दूसरे से, तो अल्टीमेटली वी फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ नेट परचेज इज इक्वल टू 36,000, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी हमारी 40,000 माइनस 4,000 दैट इज 36,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेजेस की, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए हैं। तो वेजेस में देखिए वैल्यू दी हुई है ट्रायल बैलेंस में अल्टीमेटली 10,000, और एडजस्टमेंट में देखिए लिखा हुआ है वेजेस ऑफ ₹2,000 आर आउटस्टैंडिंग। हमने पढ़ रखा था कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंसर्न वैल्यू के साथ प्लस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको सम टोटल को हम एक्सटर्नल कॉलम में लिख देंगे 12,000 रुपये, ठीक है। ये एक प्राइम डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा हमारी जो कैरेज की वैल्यू दी हुई है, हमने बताया था कि कैरेज हो, कैरेज इन्वर्ड हो या कैरेज और परचेज हो, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही नाम से जानी जाती हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है इसलिए क्रेडिट के टेबल में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हम, क्रेडिट साइड में हम बात करेंगे नेट सेल की, जिसमें हम सेल को सेल रिटर्न से डिडक्ट कर देंगे। आपके क्वेश्चन में सेल की वैल्यू दी हुई है 80,000 और सेल रिटर्न की वैल्यू दी हुई है 6,000, ठीक है। यहाँ पे हम अगर वैल्यू को एडजस्ट करके नेट सेल की कैलकुलेशन करें तो 86,000 माइनस 6,000 दैट इज 80,000, ये हमारे सेल की वैल्यू होगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन एज ₹16,000, है ना। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट के डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इसलिए ये वैल्यू भी हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी कितनी 16,000, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो इस डिफरेंस को हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से जानेंगे, और ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 60,700, है ना। हमने कैलकुलेशन की तो पाया 335,000, है ना, ये वैल्यू आ रही है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करके लिख देते हैं, यानी कि कैरी डाउन का मतलब हम लेके जाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट सी भी 35,200, और इसको जोड़ने के बाद दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया, इसलिए टोटल कॉलम में
टोटल वाले कॉलम में हम लिख देंगे 96,000 इन बोथ साइड। ऑलवेज माइंड कि जो हायर वैल्यू होगी उसी वैल्यू के साथ दोनों साइड में टोटल किया जाएगा। अगर क्रेडिट की वैल्यू हाई है तो क्रेडिट की वैल्यू से दोनों साइड टोटल किया जाएगा, और अगर डेबिट की वैल्यू हाई है तो डेबिट की वैल्यू के साथ टोटल किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा दूँ कि ओपनिंग स्टॉक में हमने जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू लिखी, हम नेट परचेज लिखते हैं तो नेट परचेज में परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है हम डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू गिवन थी केवल दो ट्रांजेक्शन के रूप में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैरेज एंड वेजेस। ठीक है, और इसके बाद क्रेडिट साइड में आए हम, क्रेडिट साइड में हमने जो है नेट सेल को लिया। ठीक है, और नेट सेल के अलावा हमने एडजस्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड की। इसके बाद दोनों साइड का टोटल किया, हमने पाया कि क्रेडिट साइड में 96,000 आ गए हैं और डेबिट साइड में 60,700, दोनों का डिफरेंस आया 35,300, क्योंकि इस वैल्यू से क्रेडिट अधिक है इसलिए डेबिट साइड में जाकर के हमने ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिख दिया। इसमें हमने केवल एक एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की, वो थी हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस के हमने दो ट्रीटमेंट पढ़े हैं, एक तो हम उस ट्रीटमेंट उस ट्रांजेक्शन में जो है ऐड कर देते हैं वैल्यू को, दूसरा उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके ठीक बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी प्रिपरेशन आइए करते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रिपरेशन करेंगे तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, ट्रेडिंग अकाउंट वाले में ही हेड वाली हेडिंग में लिए प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट लेकर के हम आए हैं अल्टीमेटली अपने ट्रेडिंग अकाउंट से, पहले उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम की बात की जाएगी। ठीक है, आई रिपीट, जो भी वैल्यू हम ग्रॉस प्रॉफिट की ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर के आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम की रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, क्योंकि कैरी डाउन हमने ट्रेडिंग में डेबिट लिखा था इसलिए ब्रॉट डाउन जो है हम क्रेडिट करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ठीक है, हाउ मच, 35,300। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम को क्रेडिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट। इनडायरेक्ट इनकम क्या है, हर वो इनकम जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, वो इनडायरेक्ट इनकम है, और हर वो एक्सपेंस जो प्रोडक्शन में कोई इंटरप्ट नहीं करता वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ओके, तो आइए बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस एक्सपेंस के रूप में, दैट इज अमाउंटिंग 1200, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो सामने से हम लिख सकते हैं क्लियरली दैट इज ऑफिस एक्सपेंस अमाउंटिंग 1200। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे ट्रेडिंग एक्सपेंस की, तो ट्रेड एक्सपेंस है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंस दैट इज अमाउंटिंग 400, सॉरी ट्रेड एक्सपेंस नहीं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम लोग पूरा लिख लेते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है, अमाउंटिंग 400। इसके बाद हम लोग तीसरी बात करते हैं अगले ट्रांजेक्शन की, दैट इज ऑफ सैलरी, सैलरी इसमें देखिए हमारी सैलरी में आउटस्टैंडिंग इवन है, सैलरी की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में हमारी दी हुई है 2400 और आउटस्टैंडिंग में जो है आप देखिए आउटस्टैंडिंग यानी कि एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में सैलरी में 1200 की आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। इन दोनों की वैल्यू हम ऐड करके एक्सटर्नल कॉलम में लेके आएंगे 3600। ठीक है, क्या किया हमने, ट्रायल बैलेंस की वैल्यू को लिखा और उसके बाद एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग की वैल्यू को लिखा और दोनों को सम अप करके बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है अगली इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारी फायर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर के, तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की ट्रायल बैलेंस वैल्यू है, आप देख सकते हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम की ट्रायल बैलेंस वैल्यू 800 है और एडजस्टमेंट में इसमें प्रीपेड दिया हुआ है, हमने पढ़ रखा है कि प्रीपेड की वैल्यू को हम लेस करते हैं कंसर्न एक्सपेंस में से, इसलिए फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में से 200 रुपये का जो प्रीपेड है वो लेस होकर के एक्सटर्नल कॉलम में
600 के रूप में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है कमीशन की बात करें अगर, तो कमीशन जो है अल्टीमेटली कमीशन की वैल्यू रिकॉर्डेड है ट्रायल बैलेंस में एज रुपीज, आप बुक में देख सकते हैं कमीशन की वैल्यू 400 रिकॉर्डेड है, तो बिना किसी एडजस्टमेंट के पूरी पूरी वैल्यू जो है एक्सटर्नल कॉलम में हम रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ट्रायल बैलेंस में रेंट एंड टैक्सेस के नाम से भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड है जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और रेंट एंड टैक्सेस के रूप में हमारे क्वेश्चन की जो वैल्यू गिवन है वो है 1800। और देखिए इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में कि रेंट फॉर 2 मंथ इज आउटस्टैंडिंग एंड फॉर ईच मंथ रेंट इज 500। 2 महीने का रेंट बाकी है और 1 महीने के रेंट की वैल्यू 500 रुपये है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम आउटस्टैंडिंग की वैल्यू को ऐड कर देंगे और आउटस्टैंडिंग की वैल्यू को ऐड करने के बाद 2800 हमारे करंट वैल्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एक और ट्रांजेक्शन की वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमने 2 चीज़ों पर लगाया है, ठीक है। जो जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों पर डेप्रिसिएशन लगाया है उनकी उनका नाम लिख देंगे। बिल्डिंग पे हमने लगाया है 5% और मशीनरी पे 10%, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू का 5% निकाल लेंगे और मशीनरी की वैल्यू का 10% निकाल लेंगे। तो बिल्डिंग देखिए हमारी 50,000 की है, 50,000 का 5% हो जाएगा हमारा 2500 रुपये, और मशीनरी चूँकि हमारी 20,000 की है और उसमें हमें 10% लगाना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2000। दोनों डेप्रिसिएशन को जोड़ करके टोटल डेप्रिसिएशन हमने किया 4500। और इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इनकम के रूप में 2 ट्रांजेक्शन गिवन है। पहला ट्रांजेक्शन गिवन है डिस्काउंट रिसीव, सिंस इट इज एन इनडायरेक्ट इनकम इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है एज रुपीज 400, ठीक है। 400 की वैल्यू को रिकॉर्ड करने के बाद हम आ जाते हैं अगली इनडायरेक्ट इनकम पे। अगली इनडायरेक्ट इनकम है हमारी इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट की रिकॉर्डिंग हम कर देते हैं उसकी ट्रायल बैलेंस की वैल्यू के साथ, दैट इज अमाउंटिंग 800, ठीक है। 800 की वैल्यू रिकॉर्ड कर ली हमने, और 800 की वैल्यू रिकॉर्ड करने के बाद अब फिर से डेबिट साइड का सारा लिख दिया आइटम हमने, क्रेडिट साइड का सारा आइटम लिख दिया। अब टोटल कर लेंगे फ्रॉम बोथ साइड, तो एज यू कैन सी दैट टोटल हम लोग कर लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब वैल्यू जो है देखिए डेबिट साइड में हमने जो टोटल किया वो टोटल आया हमारा 13,500 रुपये का, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 36,500। इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है समथिंग अराउंड 23,000। एज वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ क्रेडिट इज हायर देन द वैल्यू ऑफ डेबिट, एंड दैट इज व्हाई सरप्लस विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ठीक है। सरप्लस है क्रेडिट में, इसलिए कमी किधर हो जाएगी, डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और उस डिफरेंस की वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे। डिफरेंस की वैल्यू हमारी 23,000, तो 23,000 लिखने के बाद हमने दोनों साइड का टोटल कर दिया, और दोनों साइड में के टोटल में जो हायर वैल्यू है वो हायर वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। एज यू कैन सी दैट क्रेडिट साइड इज हायर इन बोथ कॉलम, ठीक है। अब इस 36,000 को क्रेडिट के टोटल में भी और डेबिट के टोटल में भी लिख देंगे, क्योंकि जितना कम था उसको हमने नेट प्रॉफिट करके रिकॉर्ड कर दिया, अब दोनों साइड इक्वल आएंगे, ठीक है। दोनों ही साइड में हम 36,500 की सम टोटल की वैल्यू टोटल वाले कॉलम से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है प्रॉफिट एंड लॉस की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपने क्या किया, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम रिकॉर्ड करने के बाद कुछ मेजर एडजस्टमेंट थी जैसे आउटस्टैंडिंग ऑफ सैलरी, प्रीपेड ऑफ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, इसके अलावा डेप्रिसिएशन, ठीक है।
इन चीज़ों को आपने जो है रिकॉर्ड किया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और इसकी टोटल कर ली हमने डेबिट साइड क्रेडिट साइड से, दोनों के डिफरेंस को रिकॉर्ड कर दिया नेट प्रॉफिट के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट। तो कैसे प्रिपरेशन होगी बैलेंस शीट की, आइए देखते हैं। जब हम बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था हमने, वैसे ही यहां पे हम लिखेंगे क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, और वहां पे हमने फॉर द ईयर भी लिखा था, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, एज ऑन जो भी डेट मेंशन है आपके क्वेश्चन में, उस डेट में हम फॉर्मेट करेंगे डी डी एम एम वाई वाई, यानी कि डेट देन मंथ देन ईयर। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेट की बात करें हम लोग, तो फॉर्मेट भी ठीक उसी तरीके से रहेगा जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बनाया था, पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन यहाँ पे अमाउंट को लिखेंगे एज इज इट इज, लेकिन पर्टिकुलर वाले कॉलम में इधर हम लिखेंगे लायबिलिटी और इस साइड हम लिखेंगे असेट्स। ठीक है, अब देखिए मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट हमने पढ़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि मार्शलिंग में होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, यानी जो असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उस असेट्स और लायबिलिटीज को हम रिकॉर्ड करेंगे एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडेशन। जितना या तो हम हायर लिक्विडिटी वाले जो है असेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड करें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये आपकी आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप असेंडिंग में रिकॉर्ड करते हैं डिसेंडिंग में रिकॉर्ड करते हैं। डिसेंडिंग में रिकॉर्ड करेंगे तो हायर लिक्विडिटी वाले पहले और लोअर लिक्विडिटी वाले बाद में, और असेंडिंग वाले में रिकॉर्ड करेंगे तो हायर लोअर लिक्विडिटी वाले पहले और हायर लिक्विडिटी वाले बाद में। ठीक है, चॉइस इज योर्स। हाँ, इसमें जंबलिंग नहीं होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि आप जो असेट्स हैं जो लायबिलिटीज हैं इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने एज पर द ऑर्डर लिखें, यानी कि अगर आपने फिक्स असेट्स लिखने हैं उस साइड शुरू किए हैं तो इधर भी कैपिटल से शुरू करें, क्योंकि कैपिटल इज द मोस्ट फिक्स लायबिलिटी, और उसके बाद धीरे धीरे उसी लिक्विडिटी मैनर में लायबिलिटीज को भी रिकॉर्ड करें। यानी अगर आपने एक साइड जो है फिक्स असेट्स लिखने शुरू किए तो इधर कैपिटल शुरू करेंगे, और अगर आपने कैश जैसे करंट असेट से शुरुआत की तो इधर भी करंट लायबिलिटी से शुरुआत होगी। दिस इज व्हाट, दिस इज मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम अपने बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिक्स मेथड से, और हम सबसे पहले शुरू करते हैं कैपिटल की वैल्यू से। तो कैपिटल की वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज अमाउंटिंग 62,000। इसमें जो है नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और अगर कोई ड्रॉइंग दी होगी उसको लेस कर दिया जाएगा। आई रिपीट कि जो भी ड्रॉइंग दी होगी उसे लेस कर दिया जाएगा और नेट प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ड्रॉइंग मेंशन नहीं है तो हम ड्रॉइंग को इग्नोर करके केवल नेट प्रॉफिट लिखते हैं। और नेट प्रॉफिट की वैल्यू जो है 23,000 थी, इसको ऐड करने के बाद जो है हमारे एक्सटर्नल कॉलम में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 85,000। ठीक है, इसके बाद हमारा लायबिलिटी में एक और आइटम है दैट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हम रिकॉर्ड कर देते हैं एज पर द लिक्विडिटी ऑर्डर, और क्रेडिटर की वैल्यू हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है एज रुपीज 10,800। ठीक है, इसके बाद चूंकि एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि हर आउटस्टैंडिंग को दो जगह रिकॉर्ड करना है, एक हमारे ट्रायल बैलेंस में जो सॉरी एक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में जहां पे हमारा आउटस्टैंडिंग है, और उसके बाद उसी आउटस्टैंडिंग को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग के रूप में हमने तीन चीज़ें देखी, उन तीनों ही चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में। देखिए पहला हमने देखा वेजेस, दूसरा हमने देखा सैलरी, है ना, तीसरा हमने देखा रेंट। ठीक है, तो वेजेस की वैल्यू है अबाउट अमाउंट 2,000। ठीक है,
आप एडजस्टमेंट देखिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग किया हुआ है 2000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 रुपए और रेंट की वैल्यू है अमाउंटिंग 1000। ये तीनों को ऐड करके हमने एक्सटर्नल कॉलम में डाल दिया, ये अमाउंट हो गई हमारी 4200 रुपए। ठीक है, और इसके बाद जो है आप जो है एक्सटर्नल असेट साइड में आ जाइए, लायबिलिटीज की सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर दी। अब यहाँ ध्यान देना होगा हमें कि जो भी वैल्यू हमने रिकॉर्ड की इन द रेफरेंस ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल में हमने लिक्विडिटी ऑर्डर फॉलो किया अगर फिक्स वाला, तो वही फिक्स ऑर्डर यहाँ भी हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स असेट्स की बात कर लेते हैं। तो फिक्स असेट में पहला फिक्स असेट है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। तो बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है एज ₹50,000 और इस पे डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया कितना, डेप्रिसिएशन चार्ज किया अमाउंटिंग टू 2500। इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद 47,500 हमारे एक्सटर्नल कॉलम में गया। और मशीनरी की वैल्यू इसके बाद हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एज, मशीनरी की वैल्यू हम रिकॉर्ड कर लेते हैं एज ₹20,200। ठीक है, और इसके बाद जो है इसमें हम डेप्रिसिएशन को लेस कर लेते हैं। इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया था हमने और बिल्डिंग पे 5%, तो 10% की वैल्यू आ गई 2000। इसको लेस करने के बाद हमारी एक्सटर्नल कॉलम में वैल्यू जाएगी 18000। ठीक है, और इसके बाद हम जो है क्लोजिंग स्टॉक की रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हम क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के रूप में गिवन था और उसकी वैल्यू थी 16000। ठीक है ना, और इसके बाद जो है डेटर्स भी हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड थे। डेटर्स हमारे प्रायर बैलेंस में गिवन थे विद द वैल्यू ऑफ 16000। अगेन क्लोजिंग स्टॉक और डेटर्स की वैल्यू सेम थी। और इसके बाद फिर जो है हम अपने प्रीपेड अमाउंट की बात कर रहे हैं। हमने आपके इंश्योरेंस में प्रीपेड किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू थी अमाउंटिंग 200। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू थी 200। इस 200 को रिकॉर्ड करने के बाद हम जो है बात कर लेते हैं कैश की। तो कैश की अमाउंट है हमारे ट्रायल बैलेंस में गिवन है एज ₹2,300। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें जब हमने पूरी पूरी रिकॉर्ड कर दी, सारे असेट्स और सारी लायबिलिटी का टोटल कर दिया, तो इफ द टोटल ऑफ बोथ साइड आर इक्वल देन वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन करेक्टली इन अ करेक्ट मैनर इन विद अ करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, देखिए क्रेडिट लायबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है और सेम वैल्यू के साथ हमारे असेट्स की भी टोटल जो है 1 लाख ही आ रही है। एंड इफ द टोटल रिमेन्स सेम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज कॉल्ड टोटल ऑफ बैलेंस शीट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, फिक्स ऑर्डर में आपकी लायबिलिटीज को जो है कंसीडर किया फिक्स ऑर्डर में, और उसी ऑर्डर में हम अपने असेट्स को भी रिकॉर्ड किए हैं। देखिए सबसे पहले फिक्स असेट्स, ठीक है, उसके बाद भी फिक्स असेट्स, फिर क्लोजिंग स्टॉक करेंट असेट्स के रूप में डेटर्स। ठीक है, ये क्या है, ये फिक्स असेट्स थे और ये करेंट असेट्स, इसका भी ऑर्डर आप देख सकते हैं फिक्स ऑर्डर था। ये ऑर्डर हमें बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है कि अगर फिक्स लायबिलिटीज पहले लिखी गई तो फिक्स असेट्स यहाँ भी पहले लिखे जाएंगे, और अगर वहाँ पे करेंट लायबिलिटी पहले लिखी गई तो यहाँ करेंट असेट्स पहले लिखे जाएंगे। होप आई हैव क्लियर यू ऑल। अब इसके बाद जो है जब सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमें बस ये देखना होगा कि बैलेंस शीट का टोटल सेम है या नहीं। तो बैलेंस शीट का टोटल अगर सेम होगा तो इसी के साथ हम अपने पॉइंट की क्लोजिंग कर देंगे, बैलेंस शीट की क्लोजिंग कर देंगे और टोटल ऑफ बैलेंस शीट दिखा देंगे हम, दैट इज अमाउंटिंग 1 लाख हियर। ठीक है, और जब हम टोटल कर लेंगे तो टोटल को डबल लाइन से क्लोज करके हम बैलेंस शीट को एंड कर देते हैं।
ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। होप आई हैव क्लियर यू ऑल इन अ वेरी फाइन मैनर। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।